हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में जानेंगे सवाइना के बारे में। सवाइना एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें थर्ड मंथ की स्पेशली एबॉर्शन होता है। थर्ड मंथ का एबॉर्शन किस कारण से होता है इस वीडियो में समझेंगे। दूसरा, इसे कैसे बचा सकते हैं, इसे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी मेडिसिन, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम करेंगे मेंटल के बारे में। तो सबसे पहले स्किन की अगर बात करें तो उस मरीज को फिग वॉल्ट्स होते हैं जो कि लंबे समय से होते हैं, काफ़ी समय से होते हैं, और इस मरीज को टेंडेंसी होती है थर्ड मंथ के एबॉर्शन की। दूसरा, अर्थराइटिक पेन की, अर्थराइटिक पेन यानी जॉइंट्स में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में उस मरीज को थर्ड मंथ की एबॉर्शन की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा मेंटल की बात करें तो यहाँ पर उस मरीज को म्यूजिक इंटॉलरेंस रहता है, बिल्कुल भी मरीज म्यूजिक यानी गाने सुन नहीं सकता। उसको अगर गाना सुना दिया या बगल में अगर कहीं से उसने गाना किसी ने गाना चला दिया या उसको कहीं कहीं शोर हुआ तो उस मरीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, बहुत ज़्यादा उसको चिड़न, घबराहट, बेचैनी समस्या होने लगेगी। तो उस मरीज को म्यूजिक से स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें उस मरीज को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उस मरीज को क्या समस्या होगी, स्पेशली थर्ड मंथ की आपको उसमें देखने को मिलेगा कि एबॉर्शन टेंडेंसी है। दूसरा, उसकी ओवरीज में स्वेलिंग होगा यानी उसकी ओवरीज जो है इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, यूट्रस जो है अटनी ऑफ यूट्रस हो जाएगा, यूट्रस कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, हीमरेज रहेगा, ब्लीडिंग रहेगी यानी बहुत ज़्यादा उसको डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहेगी। ब्लड किस प्रकार का आएगा, इसमें रहेगा पेल रेड ब्लड होगा और स्पेशली थोड़ा थोड़ा क्लॉटेड भी होगा यानी कि पूरी तरीके से क्लॉट नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से वो एकदम से जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर पार्शियली क्लॉटेड होगा और आपको पेल रेड देखने को मिलेगा, पेल जो रेड होता है कलर वो आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर तरीके से ब्राइट रेडनेस भी नहीं होगी। जो एक चमकदार ब्लड होता है, जो आर्टेरियल ब्लड होता है, वो भी ब्लीडिंग उसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स समझे हमने, उस मरीज को हीमरेज होगा, उस मरीज को ओवरीज में सूजन होगी, स्वेलिंग होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी। और अगर बात करें इस मरीज के यहाँ पर तो उस मरीज को उसको फीलिंग होती है कि सैक्रम का जो दर्द है, सैक्रम से दर्द उसको आगे की तरफ जा रहा है और उसको फील हो रहा है कि प्यूबिस सिम्फाइसिस तक आ रहा है। तो स्पेशली प्यूबिस तक अगर कोई पेन उस मरीज को फीलिंग हो रही है दर्द की, या दर्द उसको एक्चुअल में फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सवाइना का हम यूज करके उस मरीज को राहत दे सकते हैं, उस मरीज को बचा सकते हैं। और स्पेशली इस मेडिसिन में जो हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड मंथ का एबॉर्शन। तो थर्ड मंथ में जो एबॉर्शन होता है इस मेडिसिन से हम बचा सकते हैं अगर इस मरीज को ऐसे सिम्टम्स है जो इस वीडियो में हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स उस मरीज को जो दिक्कत बढ़ेगी वो उस मरीज को बढ़ेगी गर्म रूम से, यानी कि अगर उस मरीज को गर्म रूम में छोड़ दिया जाए, बिठा दिया जाए, सुला दिया जाए तो उस मरीज को समस्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर उस मरीज को गर्म हवा में अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो उसकी समस्या बढ़ जाएगी। और स्पेशली अगर बात करें कि उसको थोड़ा बहुत मोशन करा दें यानी थोड़ा बहुत चलने फिरने पर भी उसकी समस्या बढ़ जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम सवाइना का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज को जो एमलिरेशन होगा वो किस चीज़ से होगा, यानी उस मरीज को आराम किस चीज़ से मिलेगा, तो यहाँ पर उस मरीज को आराम मिलेगा थोड़ा बहुत आराम करने पर। अगर कोई मरीज उस मरीज को आराम करने के लिए हम छोड़ देते हैं, आराम अगर वो मरीज करता है तो उसकी समस्या कम हो जाएगी, और उसको ओपन एयर में या फिर उसको फ्रेश एयर में हम ले जाते हैं तो उस मरीज की समस्या धीरे 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 कम हो जाएगी, तो उस मरीज को रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा, उस मरीज को आराम मिल जाएगा। अगर बात करें कि यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स क्या होंगे तो उस मरीज की जो ओवरीज में दर्द था या जो उसके यूट्रस में प्रॉब्लम थी तो यूट्रस में भी उसको क्या होगा, वो भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो सही तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर बात करें कि डिलीवरी होने के बाद में उसको क्या प्रॉब्लम होगी, तो जैसे मान के चलिए उसको डिलीवरी होगी तो उसके बाद में भी उसको पोस्टपार्टम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन है वो हो ही नहीं पा रहा है, जो यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाएगा तो वहाँ के ब्लड सप्लाई जो है वो रिलैक्स रहेगी, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस
रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सवाइना का हम यूज कर सकते हैं। इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं, थूजा है, थूजा एक ऐसी कमाल की मेडिसिन है जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर बात करें कि कैसे इस दवाई को लेना है, तो मदर टिंचर फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। 20-20 ड्रॉप्स दिन में दो बार, सुबह दोपहर शाम को भी ले सकते हैं, तीन टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कम दिक्कत है तो दो बार लें। अगर बात करें कि 200 पोटेंसी की, तो 200 पोटेंसी की आप केवल चार ड्रॉप्स सुबह टंग पे लीजिएगा, चार ड्रॉप आप शाम को टंग पे लीजिएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है तो इसे दो दो घंटे से हम रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि चार ड्रॉप्स अभी लिया, उसके बाद में दो घंटे बाद फिर से चार ड्रॉप्स लिया, उसके दो घंटे बाद फिर से चार ड्रॉप लिया, उस मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर एबॉर्शन का कोई केस है तो ऐसे सिचुएशन में, अगर जैसे मान के चलिए पता लग जाता है फर्स्ट एबॉर्शन अगर किसी को हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम दूसरी प्रेगनेंसी को अटेंड करते, दूसरी प्रेगनेंसी को अगर देखते हैं, तो ऐसे किस को देखते हैं, तो उस मरीज को थर्ड मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर के पास पहले से ही चले जाते हैं और उनको चले जाना भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में सवाइना का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और उस मरीज को अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल एज होती है मेनार्की की। मेनार्की एक ऐसा वर्ड है जो मेडिकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का टाइम होता है, एमसी जो पीरियड्स आने का टाइम होता है, उसे हम मेनार्की कहते हैं। अब अगर मेनार्की समय से पहले आती है तो ऐसी सिचुएशन में इस दवाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 11-12-13 उम्र के पहले ही उनको मेनार्की आ जाती है, यानी उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस दवाई का यूज करते हैं। नॉर्मल जो टाइमिंग होती है मेनार्की की यानी पीरियड्स की, तो 12-13 साल की जो एज होती है इसमें तो पीरियड्स नॉर्मली आने चाहिए। और अगर मेनोपॉज की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, वो 45 के बाद होते हैं, जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 45 के बाद है। और अगर किसी को पहले ही जैसे 40 की उम्र में किसी को मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि पीरियड्स उसको आना बंद हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मरीज को दिक्कत होगी, उसका मोटापा बढ़ेगा, और उसको मोटापे के बढ़ने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ उसको हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेनोपॉज का टाइमिंग है वो 45 की उम्र से ज़्यादा है। और अगर मेनार्की की बात करें तो ये है आपका 12-13 के बीच में पीरियड्स जो आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर इससे पहले होते तो सवाइना का हम यूज कर सकते हैं। सवाइना एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, वो भी होम्योपैथिक पर। इसके डोज हमने समझा, कॉम्प्लीमेंट्री हमने समझी, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कौन से बीमारियों में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसकी टेंडेंसी होती है अर्थराइटिक पेन में। अर्थराइटिक पेन यानी उसको जॉइंट्स में भी दर्द धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में थर्ड मंथ के एबॉर्शन में हमने समझा कि इस सवाइना मेडिसिन का यूज कर सकते हैं और इस पेशेंट को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।